उत्तराखंड जहां मौसम ने करवट बदली, भारी बरसात हुई और मंजर आप सबों के सामने। 18, 19 और 20 अगस्त महीने की ये वो तारीखें जब भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने कोहराम मचा दिया। इस दैवीय आपदा के दंश यहां तहां देखने को मिल रहे हैं। मसलन देहरादून, टिहरी और पौड़ी में इस आपदा ने 7 लोगों की जान ले ली, 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इन जिलों में 50 से ज्यादा आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। बात टिहरी की करें तो यहाँ के बड़ियारगढ़ से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर आई है। गहड़ गांव के सुरजन कुमार की आजीविका भी इसी दैवीय आपदा की भेंट चढ़ गई। सुरजन कुमार की एकमात्र आजीविका का सहारा थी उनकी दुकान, जो कि भूस्खलन के कारण पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली खबर के मुताबिक स्थानीय विधायक विनोद कंडारी आपदा पीड़ितों का हाल पूछने निकले तो सुरजन कुमार विधायक के गले लगकर जोर जोर से रोने लगे। विधायक विनोद कंडारी ने सुरजन को दिलासा दिया है और उनकी दुकान बनाने का उन्हें आश्वासन दिया है। भावुक कर देने वाले इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।